अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन हजरात, आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जानब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो, यानी आज कितनी तारीख, 27/3/2024 को चलने वाला 8वीं जमात का साइंस पेपर, हुकूमत कर्नाटक की जानब से लिया जाने वाला सालाना इम्तहान 2024 का पर्चा, सवाली पर्चा है, और उसके जवाब को भी हम हल करें। तो चलो देखें सवाल और जवाब। हाँ, तो उर्दू मीडियम के तलबा का सवाल पूछा है। हाँ, तो चलो हैं देखें। 16 सवाल आते हैं 1 मार्क्स के, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं। दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करें, पानी बोतल से बेकर तक मुंतकिल होता है, सही नतीजा अक्स करना है। या बोतल में से है, बेकर में पानी मुंतकिल करता होता है, ये बोतल है या क्या है, स्ट्रॉ है, ये बेकर है या गुब्बारा, गुब्बारे में क्या है, हवा भर के हम इस तरह से बांधे, तो यहाँ पर इसका नतीजा क्या निकलेगा, सही इंतखाब क्या होगा। इसमें देखिएगा, क्या गुब्बारे में मौजूद हवा बोतल पर दबाव डालती है, या पानी बोतल से बेकर तक नफूज होता है, या गुब्बारे में मौजूदा हवा पानी की सतह पर ज़्यादा दबाव डालती है, स्ट्रॉ बोतल से बेकर तक पानी जज्ब करता है। तो इसमें सही जवाब क्या है, गुब्बारे में मौजूद हवा पानी की सतह पर दबाव डालती है, इस वजह से क्या है, पानी बाहर निकलता है। तो ये सी क्या है, राइट आंसर। हाँ, दूसरा सवाल देखिएगा। मच्छर से पैदा होने वाली आवाज़ काबिले समात होती है, क्योंकि इस आवाज़ में हायता यानी एम्पलीट्यूड कम होता है, या सुदत ज़्यादा होती है, या सुदत कम होती है, या हायता ज़्यादा होता है। तो सही जवाब क्या है, दूसरा ऑप्शन, सुदत क्या है, ज़्यादा होती है। देखो आप कान के सामने मच्छर वहीं कहता है, सुन सकते हैं उस आवाज़ को, तो क्या है, सुदत क्या है, ज़्यादा होती है, कम हो तो हम नहीं सुन सकते, काबिले समात है ना, सुनने के काबिल है मच्छर की आवाज। उसके बाद अगला सवाल, जब इमारत की दीवारों में इमारत से ज्यादा ऊंची धाती छड़ निकाल लगाई जाती है, तो ये क्या कहलाता है, इमारत को ताकत फराहम करती है, या इमारत को बारिश से महफूज रखती है, या ज्यादा मकदार में बिजली के चार्ज को जमीन पर मुंतकिल करने के लिए, या इमारत के फर्श को बढ़ाने के मदद करने के। तो देखिएगा, तीसरा ऑप्शन, इसमें तीसरे का सही जवाब तीसरा ऑप्शन है सी, क्या ज़्यादा मकदार में बिजली के खारिज को ज़मीन पर मुंतकिल करने के लिए, चाहे शायद आप अर्थिंग करती ना, अर्थिंग के लिए जो ऊपर एक छड़ी जो लंबी छोड़ती हैं, ऊंची धरती छड़ी, तो वो अर्थिंग से बचने के लिए ना, घर को करंट वगैरह बिजली से बचने के लिए लगाया जाता है। तो सी क्या है, सही ऑप्शन। अगला सवाल देखिएगा, ये आँख है, उसका मुशाहिदा है PQRS। देखो, जब किसी शय को चार मुख्तलिफ मुकाम PQRS पर रखा जाता है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, तो शय सिर्फ नुक्ते R पर रखी हुई शय साकिन मुशाहिदा कार यानी O ये मुशाहिदा कार के लिए नज़र नहीं आती है, ये सही वजह हो सकती है, क्या इसकी सही वजह क्या है, मुशाहिदा कार दूर की अशिया को नहीं देख सकता, या किसी शय से मुनक्कस किसी शय से मुनाकस होने वाली रोशनी की शिवाएं अंधे नुक्ते पर मरकूज हो जाती हैं, या मुशाहिदे कार की आंखों में मोतिया होता है, या शय से मुनाकस होने वाली रोशनी की शिवाएं रीढ़ीना पर मुंतशिर होती है। यहाँ पर देखिएगा, शख्स एक शख्स है, पी को देखता है, क्यू को भी देखता है, आर को भी देखता है, लेकिन वो क्या है, यस को देखता है, आर पर उसकी नज़र नहीं पड़ती, तो इसकी सही वजह क्या है, किसी शय से मुनक्कस होने वाली रोशनी की शिवाएं अंधे नुक्ते पर मरकूज होते हैं, इसका अंधा जो नुक्ता हमें नज़र नहीं आता वहां पर मरकूज होते हैं, इसीलिए क्या है, वो नज़र नहीं आता। बी इज द राइट आंसर।
मुशायदा काल हो गया सही, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, सी है इसका आंसर। मुशायदा काल के आंखों में मोतिया होता है, क्या होता है? मोतिया होता है। सही ऑप्शन सी है, मोतिया होने की वजह से नजर नहीं आता उसे, क्या? मोतिया होने की वजह से नजर नहीं आता, तो मुशायदा काल के आंखों में मोतिया होता है इसीलिए नजर नहीं आता, माफ कीजिएगा। सी क्या इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल देखिएगा, दर्द झेल में वो हालत जिसमें रगड़ कम होती है, रगड़ कम होती है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना, साइकिल में ब्रेक पैदा पैडल का इस्तेमाल, कबड्डी के खिलाड़ी का मिट्टी से हाथ रगड़ना, जूतों को खांचेदार, देखिए खांचेदार रगड़ पैदा करने के लिए, हाथ को मिट्टी लगाना भी रगड़ पैदा करने के लिए, साइकिल पर ब्रेक लगाना भी रगड़ पैदा करने के लिए, लेकिन पाउडर डालने का क्या है? रगड़ को कम करने के लिए, फास्ट करने के लिए, तो क्या है? ए वन इज द राइट आंसर। छठा देखिएगा, एक कंपनी इस खासियत की वजह से बल्कि स्विच बनाने के लिए बेकिलाइट को तरजीह देती है, क्योंकि ये हालत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे दोबारा ढाला जा सकता है, या बल्कि के मौसिल की कमजोर होते हैं, या माहौल दुरुस्त दोस्त है, क्या? बेकलाइट। ये बेकलाइट क्या है? बल्क के मौसिल कमजोर होते हैं, इसलिए क्या है ये? इस खासियत की वजह से बल्कि की स्विच बनाने के लिए इसकी तरजीह देते हैं, बैकलाइट। अगला सवाल, कालीन बनाने वाले रियान को कालीन तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा है, ये कुदरती रेशा है, तो कुदरती है वो, पानी के खिलाफ मुजाहमत रखता है, या रेशम के मुशाबा है। देखिएगा कालीन, कालीन क्या है? रेशम की तरह नजर आता है, इसलिए क्या है ये? इसका इस्तेमाल किया जाता है। डी वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मिट्टी के तेल और पानी में जखीरा करने वाली धात और गैर धात बेतरतीब है। धात एक पहला धात है, दूसरा क्या है? गैर धात है, जो मिट्टी के तेल में जखीरा किया जाता है। हाँ, जखीरा किया जाने वाला सोडियम और फास्फोरस, सोडियम धात है और फास्फोरस गैर धात है, यही पहला ही सही ऑप्शन है। अगला सवाल, नवा, कोयले से प्रोसेस किया जाने वाला ये सिया सिया रंग का मादा इत्र बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सिया रंग का मादा जो कोयले के प्रोसेस से बनता है, इत्र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन सा है वो मादा? हाँ, वो कोक है, चारकोल है, कोलता है, कोयला गैस है, तो वो क्या है? कोलता का इस्तेमाल किया जाता है। सी वन इज द राइट आंसर। चार महलूल के जोड़े जोड़े में बल्कि रोग की जांच के लिए टेस्टर के दो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया गया है। किसी एक महलूल के जोड़े में टेस्टर रोशन होता होगा, तो वो जोड़ा कौन सा है? खुरदुनी तेल और सरका है, या कास्टिक सोडा और दूध है, या शहद और लीमू का रस है, चीनी का महलूल और नमक है, कौन सा है? इसमें सही जवाब है बी वन, कास्टिक सोडा और दूध है। इसमें क्या है? टेस्टर लोशन होता है, इसमें से बल्कि तो क्या अच्छे मौसम है, क्या? कास्टिक सोडा और दूध। अगला सवाल, महकमा ज़राअत के अफसरान की जानिब से एक किसान को उस खेत का दौरा करने के बाद मंदिर जजील मशवरा दिया जाता है, जहां खास तौर पर गैर मतलूब पौधे ज्यादा होते हैं, खेत में डी फोर फोर डी टू फोर डी का छिड़काव करना, और खेत में बाकायदगी से आबपाशी करना, खेत में काफ़ी मिकदार में खाद मिलाना, खेत में एनपीके से भरपूर खाद का इस्तेमाल करना। देखिएगा यहाँ पर क्या है, अफसरान क्या बोल रहे हैं? किसान खेत का दौरा करने के बाद जहाँ खास तौर पर गैर मतलूबा पौधे ज़्यादा होते हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या हमें डी फोर डी टू फोर
DT4 का छिड़काव करने से क्या है, वो गैर मतलब पौधे खत्म होते हैं। तो वो क्या है, सही जवाब ये है इसका। DT4 क्या है, ये क्या है, एक केमिकल है दवा। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। वो हिस्सा जो प्रोकैरियोटिक खुलिये में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक खुलिये में नहीं होता, खुलवी झिल्ली, जींस, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई झिल्ली। ये क्या है, न्यूक्लियाई झिल्ली क्या है, नहीं होता इसमें, क्या न्यूक्लियाई झिल्ली, डी इज द राइट आंसर। ये खुलिये का जानदार मादा कहलाता है, खुलिये का जानदार मादा, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अगला सवाल देखिए, मंदिर जंजील में हैवानी खुलिये से मुताल्लुक सही बयान लिखना है। हैवानी खुलिये से मुताल्लुक, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियाई झिल्ली नहीं है, खुलवी झिल्ली के इर्द गिर्द कोई इजाफी परत नहीं है, न्यूक्लियस में कोई क्रोमोजोम्स नहीं है, या साइटोप्लाज्म में कोई खुलवी झिल्ली, खुलवी उजू नहीं है। तो इसमें क्या है, सही जवाब क्या है, खुलवी झिल्ली के इर्द गिर्द कोई इजाफी परत नहीं होती, ये क्या है, सही बयान है, हैवानी को लेकर बता दो। अगला सवाल, ये जानदार गैर सनफी तरीके से तौलीद करता है, गैर सनफी तौलीद तरीके से, वो कौन सा जानदार है, वो है हाइड्रा, गैर सनफी तरीके से करता है, ये बाकी गैर सनफी तरीके से करते हैं। एक तालिबे इल्म जो पैक शुदा गजा और चिप्स खाता है, और वो रोज बरोज कमजोर होता जा रहा है क्योंकि वो गिज़ा प्रोटीन से भरपूर नहीं है, इसमें क्या है, एंटी ऑक्साइड ऑक्सीडेंट्स है, इसमें नमू के हार्मोन्स नहीं है, या ना काफ़ी तगजिया फराहम करते हैं। तो इसमें क्या है, सही जवाब क्या है, ये ना काफ़ी तगजिया फराहम करते हैं, इसलिए क्या है, वो कमज़ोर होता है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्या है, तफसीली जवाब आते हैं। चार सवाल हैं एक मार्क्स के। ये मशवरा दिया गया जाता है कि गरजदार बारिश के दौरान धाती दस्तार रखने वाली छड़ी का इस्तेमाल ना करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इसके जवाब, यहाँ पर इन ये जवाब में क्या है, अंजुमन हाई स्कूल ताड़ीकोटी, अंजुमन हाई स्कूल ताड़ीकोटी के मीर मौलम, अंजुमन हाई स्कूल ताड़ीकोटी के मीर मौलम M.A. मंदवाल सर क्या है, इस सवालती बच्चे के की आंसर्स निकाले हैं, उनके की आंसर्स को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो मैं 1 मार्क्स के पहले पेश कर चुका हूँ। हाँ, तो चलो 2 मार्क्स देखिएगा। बल्क बार धाती दस्तार से होते हुए छड़ी ले जाने वाले शख्स के जिस्म में दाखिल होते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसकी मौत भी वाक्य हो सकती है, इसलिए क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बल्कि मलमहकारी से क्या मुराद है, 18वां 19वां न्यूरॉन का खुलिया खींची है, और 20वां क्या, इंसानों में एक गैर बाल आवर अंडे में कितने जिंसी क्रोमोजोम्स मौजूद होते हैं, ये 4 सवाल आते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, वो 4 सवाल हम देखेंगे। 18वां क्या है, बिजली के जरिए किसी शय पर किसी मतलूब धात की परत चढ़ाने का अमल बल्क की मलमाकारी कहलाता है। और क्या है, ये शक्ल खींचना है इंसानी जो की, ये शक्ल इस तरह से खींचकर इसके नाम दे सकते हैं। 20वां सवाल क्या है, इंसानों में एक गैर बाल आवर अंडे में सिर्फ एक जिंस क्रोमोजोम्स एक्स होता है, एक गैर बाल में क्या, सिर्फ है, एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 में 21वां और 22वां सवाल, हाँ 21, 22, 23 में दी गई आवाज की लहरों के तरसीमाती इजहार का मुशाहिदा कीजिए। हाँ, ये भी है, कौन सी लहर ऊंची आवाज को जाहिर करती है, क्यों, या हमें क्या, इस जदोल का मुशाहिदा करें जो आवाज के
जरिए और उनकी सूरत को जाहिर करता है। सवाल का जवाब देना है। हाँ, ये भी क्या है, ये इस तरह से 200 सूरत क्या है, 200 हर्ज, 50 हर्ज, 3,400 हर्ज, 2,200 हर्ज, 22,000 हर्ज है। आवाज़ पी क्यू आर एस है, आवाज़ की कमुम्बा। तो इसमें क्या है, आवाज़ का कौन सा जरिया इंसान नहीं सुन सकता। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा सवाल क्या है इसमें, जरिया क्योंकि आवाज़ की पच का क्या होता है, जब उसकी सूरत दी गई दुगनी होती है। हाँ, तो ये क्या है, 21वें के दो जवाब सवाल आते हैं। तो चलो यहाँ पर देखेंगे 21वें के सवाल आते हैं। 21वें का पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर शकल भी ऊंची आवाज़ को जाहिर करता है क्योंकि इसकी वसत ज़्यादा है। और या उसके अलावा दूसरा सवाल, जरिया पी क्यू आर इंसान नहीं सुन सकता क्योंकि वो इंसान के समाज से बाहर है, क्योंकि सूरत 502 हर्ज है, दुगनी करने पर 1,000 हर्ज होगी, पच भी 1,000 हर्ज होगा। और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे 22वां और 23वां सवाल। देखिएगा 22वां और 23वां सवाल, 22वां सवाल है, 21वीं सदी में हेली दुमदार सितारा किस साल में जाहिर होगा और क्यों। और 23वां सवाल, मंदिर जजील के लिए इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम अज्जा के नाम लिखना है, मोमबत्तियां बनाने में और पेंट की तैयारी, या हमें इसके अलावा गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की बचत के लिए दो तजावीज पेश करना है। तो चलो देखेंगे इसके जवाब क्या है। 22वां सवाल, 21वीं सदी में हेली का दुमदार सितारा 2062 में जाहिर होगा, यह सितारा 1986 में देखा गया था, यह हर 76 साल के बाद नजर आता है। तो इस लिहाज से 1896 में 76 साल अगर जमा करें तो यहाँ पर ज़रा मिस्टेक है, ये नंबर थोड़ा चेंज करो, ये देखवा देखो। हाँ, ये नंबर यहाँ, ये 1900 आना था, ये 1800 है, ये ज़रा चेंज है, ये अगर ध्यान 8 इधर 8 नौ इधर ना, 2062 होगा। दूसरा 23वां सवाल में, मोमबत्तियाँ बनाने में पैराफिन इस्तेमाल होता है और पेंट की तैयारी में कोलता का इस्तेमाल होता है। या उसके अलावा दूसरे के सवाल में देखो, जहाँ तक मुमकिन हो गाड़ी एकसा और दरमियाना रफ्तार से चलाएं। और दूसरा क्या है, ट्रैफिक सिग्नलों पर जहाँ आपको इंतज़ार करना पड़े गाड़ी का इंजन बंद करें। इस तरह से हम पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। अब हम आएंगे 34वें सवाल की तरफ। चलो 24वां सवाल क्या है बड़ा, आप पाशी से मुराद क्या है, आप पाशी के दो जदीद तरीकों का जिक्र करें, या हमें खरीफ और रबी फसलों से क्या मुराद है उसकी तारीफ लिखना है। तो चलो आप पाशी के मुताबिक 24वां सवाल, मुख्तलिफ वक्फों से फसल को पानी देने का अमल आप पाशी कहलाता है। छिड़काव निज़ाम, इसमें आप पाशी के दो तरीके हैं, छिड़काव और टिपकाव, ट्रिप, टिपकाव बोलते हैं, ट्रिप। छिड़काव में फसलों पर बारिश की तरह पानी का छिड़काव आपपाशी कहलाता है। मसलन रेगिस्तानी रेतीली मिट्टी के लिए ये निज़ाम बहुत मुफीद है। और ड्रिप निज़ाम क्या है, इस निज़ाम में पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में पहुंचाया जाता है। फलदार पौधों, बागीचों और दरख्तों को पानी देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा हमें इसके बजाय हम दूसरा लिख सकते हैं, खरीफ और रबी फसल की तारीफ। देखिएगा, खरीफ फसल यानी वो फसलें जिनकी काश्त बरसात के मौसम में की जाती है, जिसे खरीफ फसलें कहलाते हैं। हिंदुस्तान में बरसात का मौसम जून से सितंबर तक है रहता है। और रबी फसलें यानी मौसम सरमा में जिन फसलों की काश्त की जाती है वो रबी फसल कहलाती है, मसलन गेहूं, चना, मड़, सरसों और अलसी रबी फसलें कहलाते हैं, रबी फसलें की मिसालें हैं। इस तरह से हम 24वें सवाल का जवाब लिख सकते हैं। अब हम आएंगे 25वां सवाल और 26वां सवाल। माहौलियाती निज़ाम में छोटे जानवरों का तहफ़ ज़रूरी है, इस बयान की हिमायत करना है। या 26वां सवाल, पीने के लायक पानी से क्या मुराद है, पानी को पीने के लायक बनाने वाले तीन तरीकों का नाम हमें लिखना है। तो चलो
25 से 26वां सवाल, 25वां सवाल देखिएगा। बड़े जानवर के मुकाबले छोटे जानवरों के मादूम होने का खतरा कहीं ज्यादा है। हम अक्सर व बेशतर सांप, मेंढक, छिपकली, चमगाड़ और उल्लू वगैरह को बड़े बेरहमी से मार डालते हैं और हयातियाती निज़ाम में इनकी हिमायत की कतई परवाह नहीं करते। इन्हें मार कर हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। हालांकि ये साइज के अतबार से छोटे हैं, लेकिन माहौलियाती निज़ाम में इनकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये गजाई जरखेज़ों, जंजीरों और गजाई जाल का हिस्सा है। इस तरह से 25 का जवाब हम लिख सकते हैं। 26 का जवाब देखिएगा, वो पानी जो पीने के लिए मौजू है, पीने के लायक पानी कहलाता है। पानी को पीने के लायक बनाने के तीन तरीके, एक फिल्टर है, दूसरा जलाशय से आज़ाद करना है और चौथा तीसरा ऑप्शन तीसरा तरीका क्या है, क्लोरीन के इस्तेमाल से पानी को साफ किया जा सकता है। तो अब हमें 27वां सवाल, 27 और 28वां सवाल। हमवा सतह पर रोशनी का बाकायदा इनकास जाहिर करने वाला खाका बनाएं, शिवा वकूक की शनाख्त करें। और 28वां सवाल, कुवत से क्या मुराद है, उसमें ए और बी क्या है, क्या होता है जब किसी शहर पर मसावी कदर की दो कुवतें दर्जील की तरह लगाई जाती हैं, यानी एक ही सिमत में एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में, या इसके अलावा गैर इत्तिसाली कुवतों के कोई तीन नाम लिखे और हर एक की मिसाल दें। ये 27वां और 28वां सवाल है। तो हम देखेंगे 27वां और 28वां सवाल को। तो 27वां सवाल क्या है, इस तरह से हम शक्ल निकाल कर इस तरह से हम उसके नाम दे सकते हैं। अब 28वां सवाल देखिएगा। हाँ, अट्ठाईसवां सवाल, ए किसी चीज पर लगने वाला धक्का या खींचाव कुवत कहलाता है। एक कुवत की तारीफ हो गई, उसमें दो हमारे दो मजीद नुकात थे। जब दो कुवतें जो मसावी कदर की हैं एक ही सीमत में लगाई जाती है, तो शय लगाई गई कुवत की सीमत में हरकत करती है। दो कुवतें धकेल रही हैं, ये शय है तो हरकत करती है। और दूसरा क्या है, जब दो कुवतों जो मसावी कदर की हैं एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में लगाई जाती है, तो शय हरकत नहीं करती, यानी ये दोनों तरफ से धकेले, एक आमने से और एक सामने से, एक पीछे से, दोनों सामने सामने धकेले हैं, तो वो शय क्या है, हरकत नहीं करती। या हमें क्या है, इस तरह से दूसरा जवाब लिख सकते हैं, या ये जवाब लिख सकते हैं क्या, गैर इतिसाली कुवत के तीन नाम ये है क्या, मैकनातीसी कुवत, बल्कि सुकूनी कुवत और कशिशी शक्ल। मैकनातीसी कुवत की मिसाल क्या है, दो मैकनातीस के गैर मुशाबा कुतुब आपस में कशिश करते हैं और अलसुमार और मुशाबा कुतुब दिफा करते हैं, यहाँ वो आना और आना था, मुशाबा कुतुब दिफा करते हैं। बल्कि सुकूनी कुवत का मिसाल क्या है, प्लास्टिक का एक तिनका कागज से रगड़ने पर दूसरे तिनके को अपनी जानब कशिश खींचता है, पुरसकूनी कुवत है। कशिश शक्ल मिसाल क्या है, ऊपर फेंकी गई हर शय वापस जमीन पर आकर गिरती है, ये कशिश शक्ल की मिसाल है। इस तरह से हम क्या है 28वें सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो अच्छा, 29वां सवाल देखिएगा, मोमबत्ती के लौह के मुख्तलिफ हिस्सों को जाहिर करने वाला खाका बनाकर मंदिर जैसे हिस्सों के नाम देना है। मंदिर जैसे क्या है, सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा और सब एहतराकी हिस्से का दरमियानी हुत्ता। तो इस तरह से क्या है, हम शक्ल निकाल कर इसके नाम दे सकते हैं तीसरे सवाल का जवाब। इसके बाद हम आते हैं 30वां सवाल, मंदिर हालात में बनने वाली अशिया कौन सी है, धातें तेजाब के साथ तामुल करती हैं और कॉपर सल्फेट आयरन के साथ तामुल करती हैं, ए और बी क्या है, आप मंजिल जजील की जांच कैसे करते हैं, एक तेजाबी महलूल की और दूसरा भी क्या है, हाइड्रोजन गैस जो कीमियाई तामुल के दौरान खारिज होती है। तो इसका जवाब हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिएगा, ए धातें तेजाब के साथ तामुल करके धाती नमक बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। इस तरह से ZN+ 2HCl
इस तरह से तीर का निशान लगाकर ZnCl2+Z2, इस तरह से हम क्या इसका फार्मूला डाल सकते हैं। कॉपर सल्फेट आयरन के साथ तामुल करके आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलहदा करता है, इस तरह से हम इसका फार्मूला डालकर ले सकते हैं। बी क्या है देखोगा ऑप्शन, इसका ए के जवाब हो गए, बी के जवाब। पहला, तेजाबी महलूल की जांच, ये इनकी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए नीले लिटमस का इस्तेमाल किया जाता है। तेजाबी महलूल नीले लिटमस को सुर्ख में लिटमस में तब्दील करता है। दूसरा क्या है, जब जलती हुई माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लाई जाती है तो इसमें निकलने वाली भाप पाप की आवाज इस बात की तस्दीक है कि खारिज होने वाली गैस हाइड्रोजन है, इस तरह से हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं 31वां सवाल, मंदी जजील गिजाई अशिया के तहत उसके तरीके लिखना है। गोश्त, दूध, जाम, अचार, इसका इस्तेमाल तहफुज कैसा करते हैं। और बी क्या है, मंदिर के वजूहत बनाना है। मंदिर के वजूहत क्या, बच्चों को बाकायदा गी से टीके लगवाने चाहिए, हमें छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को ढांपना चाहिए, हमारे अतराफ व अकनाफ में पानी जमा होने नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से 31 का सवाल है, तो चलो अब हम इसके जवाब की तरफ पढ़ेंगे। ए, गोश्त को हमें, हम क्या है, गोश्त की हिफाजत नमक के जरिए तहफ़ुज़ कर सकते हैं, तेल और सुरके के जरिए तहफ़ुज़ कर सकते हैं और धूप में सुखा कर भी इसको, उसकी हिफाजत की जा सकती है। दूध की हिफाजत करने के लिए हमें पाश्चुरेशन करना है और जाम की हिफाजत करने के लिए चीनी के जरिए, तेल और सुरके के जरिए भी कर सकते हैं। अचार की हिफाजत क्या है, नमक के जरिए भी करते हैं और तेल और सुरके के जरिए भी करते हैं। और बी का सवाल का जवाब क्या है, टीके बच्चों में मुदाफियती निज़ाम को बढ़ाने में बढ़ाते हैं जिससे बीमारियों से बचाया बचा जा सकता है। और दूसरा का जवाब क्या है, ताकि हमारे जिस्म में मौजूदा खुर्द उजिए हवा के जरिए दूसरों के जिस्म में मुंतकिल होकर बीमारी का बायस ना बने, इसलिए क्या हम अपने मुंह पर छींक के दौरान मुंह पर हाथ, नाक और मुंह को बंद करना है हाथ के जरिए। तीसरा, अतराफ में पानी जमा होगा तो वहाँ मच्छरों की अफजाइश बढ़ जाती है और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का खतरा लायक होता है, इस तरह से हम इसको जवाब लिख सकते हैं। यह रहा 8वीं जमात का के की आंसर जवाबी पर्चा। मैं क्या है मंदेवाल सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसकी आंसर को PDF की शक्ल में हम तक पहुंचाया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद वीडियो को देखने के लिए हमारे नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।